हमेशा अपना रिवॉल्वर निकाल के रखते थे। कोई नहीं आता करने के लिए, समझा के भेज दिया जाता हम लोग को थाना से। मम्मी चार बार कम, चौथी बार मम्मी का कम देना आया है, इतना मारते थे ना, सब सुना है। अरे इसको क्या हो गया भाई, थोड़ा सा मैं क्यों मारता है, क्यों थे वो कर कर कुछ भी हो, छोटी छोटी चीज मारने लगे थे वो। तो अभी एक महीना से नहीं थी मम्मी यहाँ? नहीं, इसीलिए तो मम्मी केस कर दी थी, इसलिए तो मम्मी चली गई थी, क्योंकि ये घर आएंगे तो फिर झड़प करेंगे मम्मी। तो अभी कहाँ रह रही थी मम्मी? मम्मी पटना में थी। तो मम्मी कब आई? आज सुबह बुलाया गया था मम्मी को, डीएसपी से बात कराया गया था परसों शाम या ऐसे कुछ 3-4 बजे। आज ही आई थी मम्मी? हाँ, कल रात का ट्रेन पकड़ के आ जाए। और वो चंदन कौन है? वो मम्मी की फ्रेंड है, मतलब पहले पूरा। और उसका माँ है वो? उनकी मम्मी है। तो कैसे गोली, आप लोग कहाँ थे? हम ना ब्रश करके घर गए, पापा को देखे दौड़े। तो जब ये वाला जो तुम्हारी मम्मी के साथ जो गया वो लड़का कौन था? भाई था वो, मामा लोग के सबके फ्रेंड है, मम्मी लोग सब भाई भाई बोलती है। फिर क्या हुआ? ये वाला अंकल गेट पापा बंद किए, और हमको लगा पापा हमेशा ऐसी करते, गुस्सा में बंद कर देंगे, बोलेंगे घर में आग लगा देंगे, मारेंगे। हमको लगा वैसे ही करेंगे, लेकिन हम उसे चाबी ढूंढने लगे तब तक खोलने के लिए। तब तक में देखे वो रिवॉल्वर निकाल के, हम देख रहे हैं देखे रिवॉल्वर निकाल के गए, हमको लगा डराएंगे, तुरंत से शूट कर दिए तीनों को। फिर उसके बाद पापा लॉक खोल के दौड़े, तो हम उनके पीछे दौड़े, ये इसको लॉक कर रहे थे, हमको वो देख के दौड़ के भागे, उनको लगा लॉक हुआ लेकिन लॉक हुआ नहीं, दौड़े पीछे लेकिन वो दौड़ गए थे नीचे तक। वो आंट कुछ कुछ लोग देखे। अभी कहाँ पोस्टेड थे वो? अभी गुदरी। अच्छा।